तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूं कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कि डिप्रेशन के सबसे मतलब जो डिप्रेशन है उससे अगर बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एक ही है रूट कॉज। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि डिप्रेशन मैंने काफी सारे कमेंट्स देखे हैं। अगर आप भी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं तो जरूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आपकी स्टोरीज। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मैं जरूर वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों, डिप्रेशन देखो, सबसे पहले तो जो हमारे ब्रेन से कुछ न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशियां, जो एक्साइटमेंट, ये सारी चीजें जो है वो हमें मिलती नहीं है केमिकल इम्बैलेंस की वजह से। जैसे कि एक डोपामिन होता है, सेरिटोनिन होता है, तो ये हमारे ब्रेन से ड्रॉप हो जाते हैं, इसके लेवल कम हो जाते हैं, इसकी वजह से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले डिप्रेशन की मेरे एक्सपीरियंस क्या थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। और जो रूट कॉज है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा काम आने वाला है, और ये खुद मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है और ये मैंने खुद ट्राई किया है। और ये करने के बाद मुझे सिर्फ एक एक 1.5 महीने में ही मेरी जो डिप्रेशन है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन इसमें डेडिकेशन लिए आपको काम करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जो डिप्रेशन की मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस थी वो ये थी दोस्तों, कि मैं एक ऐसा बंदा था कि मुझे हर चीज में एंजॉय करना है, चाहे वो पार्टी हो, बर्थडे हो, जो भी हो, मुझे बस एंजॉय करना है। तो मैं बहुत एंजॉय करता रहता था, कोई भी पार्टीज हो या कोई भी फेस्टिवल हो। तो एक बार क्या हुआ था, जब मुझे ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी तो तब मुझे डिप्रेशन भी हो गया था। तो जब डिप्रेशन हुआ था तब मुझे अभी भी अच्छे से याद है, अगर आप मेरा लास्ट वीडियो कोई भी देखोगे तो उसमें मैंने बताया है कि डिप्रेशन में क्या हुआ था। मुझे डेट भी याद है, 31 था दिसंबर को, उस टाइम पे क्रिसमस था 31 का, तो उस टाइम पे न्यू ईयर, सॉरी न्यू ईयर, तो उस टाइम पे हम लोग सब लोग घर में एंजॉय कर रहे थे, मतलब सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। और मेरा जो घर है वो 1+ है, तो ऊपर मैं बैल्कनी में खड़ा हूँ, ठीक है, बहुत उदास हूँ। और पहले जो भी न्यू ईयर आती है तो मैं बाहर रहता था, घर में रहता ही नहीं था पहली बात तो। बट वो जो 31 थी, वो 31 की जो नाइट थी, वहां पर मैं घर पर ही था। मैं बाहर जाना चाहता था बट लेकिन बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, क्योंकि डर, घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कहीं कुछ हो जाएगा मुझे, मेरे साथ कोई बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारी चीजें मुझे होने लग गई थी और मैं डिप्रेस भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो नीचे क्या हो रहा था, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, केक काट रहे थे, है ना, सभी लोग नाच रहे थे साउंड्स लगाकर। तो मैं ऊपर से बालकनी से खड़ा होकर बस मैं देख रहा हूँ कि सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। मतलब मैं जाने की मन तो कर रहा है कि मैं जाऊं एंजॉय करूं, मैं ऐसा नहीं था, है ना, मैं ऐसा नहीं था, मैं हर चीज को एंजॉय करता था। तो मैं क्यों नहीं जा पा रहा हूं, और मैं जितना कोशिश कर रहा हूं जाने की उतना ही मैं डिप्रेस हो रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा हूं। मतलब पता नहीं क्या था उस टाइम पे, मैं जाने की बहुत कोशिश कर रहा था बट लेकिन मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊं वहां पर, नीचे बैठूं और किसी से बात करूं। बट क्या है ना दोस्तों, मैंने सुना था कि अगर ये सारी चीजों से बाहर निकलना है तो हमें उस चीज को लड़ना पड़ता है, उस चीज से लड़ना पड़ता है। तो मैंने क्या डिसाइड किया, थोड़ी देर मैं ऊपर ही खड़ा रहा। जब मैंने लोगों को देखा तो अचानक से मुझे ऐसा लगा कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, तू ऐसा नहीं था, अब तुझे नीचे जाना चाहिए। तो मैं नीचे चला गया दोस्तों। मैं बस नीचे, जब मैं चला गया तो वहां पर मैं बस बैठा ही था, लिटरली मैं कुछ चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहा था। ना मैं किसी के बोलने पे हंस पा रहा था, ना मैं किसी का डांस देखकर हंस रहा हूँ, कुछ भी नहीं था। ऐसा मान लो कि उस टाइम पे अगर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, अगर वो चीज मुझे कोई गिफ्ट करता तो भी मुझे खुशी नहीं होती। मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे उदासी कितनी छाई थी मेरे पूरे लाइफ में। तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मुझे हो क्या रहा है, मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे खुशी महसूस नहीं हो रही है, कोई अगर मुझे मेरे लिए कुछ ला रहा है घर में तो भी मैं खुश नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस और उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं करता गया, बस ऐसे ही चलता रहा। बट लेकिन क्या हुआ ना दोस्तों, एक साइकेट्रिस्ट से मैंने बात की थी, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली वो मैंने उनकी वीडियोज भी डाली है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, सोहम काउंसलिंग आप सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे वहां से पता चला कि जो डिप्रेशन है, ठीक है, अगर डिप्रेशन को ठीक करना है तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रूट कॉज है, और वो रूट कॉज है दोस्तों कि देखो, डिप्रेशन में क्या होता है, हम खुद के बारे में सोचते हैं, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, है ना, हम खुद को आइसोलेट करके रखते हैं, हम खुद के बारे में सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं ऐसा ही क्यों हूं, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूं, मैं ऐसा ही हूं। मतलब
हर एक चीज में। डिप्रेशन में क्या होता है, हम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, खुद के बारे में ही, हमें ऐसा नहीं था, मैं क्यों ऐसा हो गया हूं, ये सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है। तो क्या होता है, डिप्रेशन आप कभी भी नोटिस करोगे तो डिप्रेशन जो होता है वो हम खुद के बारे में ही बस थॉट्स ला कर देता है, और उस थॉट के जरिए ही हम खुद को मायूस करते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, मैंने डिसाइड किया दोस्तों कि लाइक मैंने खुद से डिसाइड किया था ये चीज, वो ये कि दोस्तों अब से मैं लोगों की हेल्प करूंगा, चाहे मैं डिप्रेस हूं लेकिन मैं लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं घर से बाहर निकला, मैं लोगों को कुछ लाइक जो लोग बाहर बैठते थे मंदिर के आसपास में यहाँ पर, तो मैं उन लोगों को खाना देने देने के लिए चला जाता था। मतलब मैं लोगों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लग गया था, और ये मैंने बस लर्न करता गया दोस्तों। लिटरली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने खुद के बारे में कुछ भी नहीं सोचा वो डेढ़ महीने मैंने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। मैं सिर्फ लोगों के बारे में ही सोच रहा था कि उन लोगों को कैसे ठीक करना है, उन लोगों को भूख लगी होगी, उन लोगों को क्या लेके जाना है ना, एनिमल्स है, उन लोगों को क्या देना चाहिए खाने में। तो ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलने लग गई। अब जो डिप्रेशन से जो मेरी माइंड की पूरी धजिया उड़ चुकी थी, जैसे कि मैं खुश नहीं होता था, किसी चीज में मन नहीं लगता था काम करने में, जो डेली एक्टिविटीज करके मुझे जो खुशी होती थी वो खुशी भी नहीं मुझे नहीं मिल रही थी, जो अगर जो मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे मैंने कन्वर्ट किया कि मैं अब से लोगों की हेल्प करता रहूंगा, तो मैंने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया, मैंने लोगों के बारे में जानने की कोशिश की, लोगों की खुशी में खुश होना सीखा, तब जाके जो है दोस्तों मेरी जो मेरे जो माइंड में जो कंसेप्ट बनी थी डिप्रेशन को लेके, वो पूरी तरीके से चेंज हुई। क्योंकि डिप्रेशन में आप कभी भी नोटिस करोगे ना, तो हम खुद के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन डिप्रेशन में अगर आप दूसरों के बारे में सोचोगे, जैसे किसी ने खाया नहीं होगा यार, वहां पर रोड पे बैठा हुआ है ना, एनिमल्स है, वो लोगों को भूख भूख लगता होगा, तो वो लोग किसे कहते हैं, और कहेंगे तो भी कोई समझेगा कैसे, तो हम उन लोगों की हेल्प करना चाहिए, है ना दोस्तों। तो जब आप ये चीज करते हो तो आपके माइंड में सारे नेगेटिविटीज निकल जाते हैं, बिकॉज आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ऊपर से देखो दोस्तों आप जो काम कर रहे हो उसकी लाइक उसकी गुडविल्स आपको जरूर मिलेगी, ये चीज आपको कभी नहीं भूलना है, और वही शायद गुडविल्स मुझे भी मिले। ठीक है, तो आप लोगों को भी जरूर वो गुडविल्स मिलेंगे, बट लेकिन अगर आपको डिप्रेशन है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉज है, और वो है हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग। आप लोगों को बाहर की दुनिया में जाना होगा, बाहर के लोगों की हेल्प करनी होगी। मैं जानता हूं इस वक्त आप लोगों को कोई नहीं समझता है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, चाहे वो डॉक्टर हो या साइकेट्रिस्ट हो, कोई भी हो, कोई भी नहीं समझेगा इस चीज को। मैं जानता हूं बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, क्योंकि मैं भी इसी चीज से निकला हूं, लेकिन मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस किया है वो है हेल्प अदर्स, और वाकई में दोस्तों ये बहुत ज्यादा इफेक्टफुल रूट कॉज है डिप्रेशन का, और ये सिर्फ एक ही रूट कॉज है दोस्तों। कोई मेडिसिन नहीं लेना है, कुछ नहीं है, सिर्फ लर्न करना है लोगों की हैप्पीनेस में कैसे खुद को एडजस्ट करके हैप्पी होना है, ये बस आपके ऊपर है दोस्तों। अगर आप ये चीज सिर्फ 1.5 महीने करोगे, बट लेकिन दिल से करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि बस ठीक होने के लिए आप खुद को सेल्फिश की तरफ कि मुझे ठीक होना है इसलिए मैं लोगों के लिए ये कर रहा हूं, ऐसा नहीं, आप दिल से वो चीज कीजिए, आपको जरूर बेनिफिट मिलेगी, ये चीज मैं आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों। आपको गुडविल जरूर मिलेगी, बिकॉज आप मुख्य जानवर की लाइक उनको खाना दे रहे हो। ठीक है, बाहर जिन लोगों को खाना नहीं मिल रहा है उन लोगों को आप खाना पहुंचा रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, तो आपको उनकी खुशी में आपको जरूर ये चीज धीरे धीरे खुशी होगी, आपको ये चीज लर्न करना होगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस दिया रह पाऊंगा मैं। और दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई चाहता है कि उनकी स्टोरी, वो रिकवर हो गया है, तो अगर वो चाहता है कि उनकी स्टोरी भी यूट्यूब पर मैं लाऊं, तो मैं जरूर, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स कीजिए, मैं जरूर उन लोगों के जो भी मुझे जिसकी भी ऐसा लगे अगर बहुत ज्यादा सफर किया है, तो उनकी वीडियो मैं जरूर शेयर करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और हमेशा पॉजिटिव रहिए, और हमेशा याद रखिए दोस्तों डिप्रेशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूट कॉज है, वो है हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, हेल्पिंग अदर्स सिर्फ एक ही वो चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से इस प्रॉब्लम से निकाल देगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।